करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेसन नंबर 9, क्लास 4th, द यंग जज। अच्छा, ये एक नाटक के तौर पे है। अगर आप क्लास में होते तो मैं अलग अलग स्टूडेंट्स को कुछ और किरदार कैरेक्टर दे देती, जिससे आप इसको इन्जॉय भी करते। तो अब मैं आपको ये चैप्टर समझाती हूँ। ये चैप्टर किंग मोहब्बत के ऊपर है। उनके साम्राज्य में बहुत सारी चोरियाँ और डकैती हो रही थी। उसकी चिंता में वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे। तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा चतुर इंसान ढूंढूं जिसको मैं अपने कोर्ट में, मतलब अपने महल में जज के तौर पे रख सकूं। तो वो जाते हैं। सीन पहला है मंगू ए बैगर। एक मंगू है जो एक बैगर है, भिखारी है। हेल्प सर, हेल्प द पुअर। वो कहता है मदद करें सर, गरीब की मदद करें। सेकंड भोलू, टेक दिस। ही गेव सम कॉइन्स टू मंगू। वो उसे कहता है ये लो। वो उसे कुछ कॉइन सिक्के देता है मंगू को। मंगू, मे गॉड ब्लेस यू, आई कैनॉट वॉक, कैन यू टेक मी ऑन योर हॉर्स टू द मार्केट प्लेस। अब वो उसे कहता है भगवान आपका भला करे, मैं चल नहीं सकता, तो क्या आप मुझे मार्केट तक अपने घोड़े पे लेके जाएंगे। बोलू एग्रीज एंड टेक हिम ऑन हॉर्स। किंग मोहम्मद वॉज वॉचिंग दैम, ही फेल्ट दैट द बैगर वॉज नॉट ट्रस्ट वर्दी, सो ही फॉलोज दैम। अब बोलू एग्री हो गया इस बात पे, वो उसे अपने हॉर्स पे ले जाता है। लेकिन किंग मोहम्मद ये सब देख रहा होता है, तो उसे नहीं लगता है कि जो भिखारी है वो विश्वास पात्र है। तो वो उसे उन्हें उनका पीछा करता है, फॉलो करता है उनको। बोलू वी हैव रीच्ड मार्केट प्लेस, नाउ यू कैन गेट डाउन। ही डिसमाउंट हिमसेल्फ। अब वो मार्केट प्लेस तक पहुंच गए और उसे कहता है तू नीचे उतर जा। मंगू व्हाई शुड आई गेट डाउन, दिस इज़ माय हॉर्स। अब जो मंगू जो भिखारी था वो कहता है मैं क्यों नीचे उतरूँ, ये तो मेरा घोड़ा है। बोलू सरप्राइज आश्चर्यचकित होके व्हाट डू यू मीन बाय योर हॉर्स, इसका क्या मतलब है तुम्हारा घोड़ा। आई अलाउड यू टू राइड माय हॉर्स एज यू वेयर नॉट एबल टू वॉक एंड यू आर गिविंग मी दिस इन रिटर्न ऑफ माय काइंडनेस। मैंने तुम्हें अपने घोड़े पे बैठने दिया क्योंकि तुम चल नहीं सकते हो, और तुमने मेरी ये नेकी दरिया दिली का ये मुझे सिला दिया, बदले में तुमने मुझे ये दिया। मंगू ओ गॉड ओ गुड लॉर्ड, आई एम पुअर बैगर एंड यू वॉन्ट टू टेक माई हॉर्स अवे फ्रॉम मी। हे भगवान, मैं एक गरीब भिखारी हूँ और तुम मेरा घोड़ा भी मुझसे ले जाना चाहते हो। बोलू दिस हॉर्स इज श्योरली माइन, नाउ द किंग विल डिसाइड अवर केस। बोलू कहता है कि ये घोड़ा तो मेरा है, अब राजा ही ये तय करेंगे कि ये घोड़ा किसका है किसका नहीं। मंगू द केस इज गोइंग टू बी इन माई फेवर, यू आर ए हेल्दी पर्सन, लुक एट मी, कैन आई बियरली वॉक। अब वो कहता है भी केस तो जो है वो मेरे हक में ही जाएगा क्योंकि तुम तो एक हट्टे कट्टे इंसान हो, मेरी तरफ देखो, मैं तो चल भी नहीं सकता। बोलू लेट अस गो टू द किंग। अब वो राजा के पास जाते हैं। बोथ ऑफ देम स्टार्ट मूविंग टुगेदर विद द हॉर्स टू द किंग पैलेस। ऑन वे दे सी ए क्राउड ऑन वन साइड ऑफ द रोड। अब दोनों चलना शुरू कर देते हैं राजा की महल की तरफ जाने की, और रास्ते में वो देखते हैं कि एक जगह पे बहुत सारी भीड़ है सड़क के किनारे में। अब सीन थर्ड है ए यंग बॉय सिटिंग ऑन ए चेयर एंड सम पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। एक जवान लड़का कुर्सी के ऊपर बैठा है और काफ़ी लोग उसके इर्द गिर्द सामने खड़े हैं। मंगू वॉट इज़ गोइंग हेयर, वॉट आर दे ऑल डूइंग हेयर। मंगू उनसे पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एन ओल्ड मैन फ्रॉम द क्राउड, एक बूढ़ा इंसान भीड़ में से। दिस स्मॉल बॉय एक्ट एज मोहम्मद अवर किंग एंड सॉल्व्स अवर प्रॉब्लम विथ हिज वाइज जजमेंट। अच्छा, वो कहता है कि ये जो छोटा लड़का, ये एक राजा मोहम्मद का किरदार निभा रहा है और ये हमारी समस्याएं सुनता है और अपनी चतुर उसके साथ जजमेंट देता है, न्याय करता है। मंगू मे गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ जस्ट द पर्सन वी वेर लुकिंग फॉर। मंगू कहता है अच्छा भगवान इसका भला करें, हम इसी इंसान का तलाश कर रहे थे। अब यंग जज जो लड़का है, लेट्स स्टार्ट बैगर। अब वो भिखारी से पूछता है मंगू आई हेल्प हिम टू रीच द मार्केट एंड ही सेज डैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी। मंगू कहता है कि मैंने इसकी मदद की मार्केट तक जाने के लिए, अब ये कहता है कि ये घोड़ा मेरा है। बोलू माय लॉर्ड ही इज़ ए चीटर, ही वॉज बैगिंग एट द रोड साइड, आई गेव हिम द मनी एंड ड्रॉप्ड हिम टू द मार्केट प्लेस एंड नाउ ही क्लेम्स डैट माई हॉर्स बिलोंग्स टू हिम। बोलू कहता है हे महाराज, ये एक चीटर है, धोखेबाज है, ये सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, मैंने इसे पैसे दिए और इसने मुझसे कहा कि मुझे मार्केट
तक छोड़ दो। और जब मैंने इसको मार्केट पे छोड़ा तो इसने मुझे कहा कि ये तो घोड़ा मेरा है। यंग जज, टेक द हॉर्स टू द स्टेबल विद द अदर हॉर्सेज, फॉलो मी बोथ ऑफ यू। अब वो उन्हें कहता है कि ये घोड़े को अस्तबल के पास दूसरे घोड़ों के साथ रख दो, इस घोड़े को, और तुम दोनों मेरे साथ चलो। द यंग जज ऑर्डर टू मेक द हॉर्स इन लाइन विद द अदर हॉर्सेज इन एंड स्टेबल। चलो, उसको कहता है कि इन घोड़ों को लाइन, इस घोड़े को जो अस्तबल में दूसरे घोड़े हैं उनके साथ लाइन में खड़ा कर दो। अब जो सीन फोर्थ है, यंग जज, कैन यू आइडेंटिफाई योर हॉर्स? मंगू, पॉइंटिंग टू द भोलूस हॉर्स, दिस इज माई हॉर्स माई लॉर्ड। अच्छा, यंग जज, कैन यू आइडेंटिफाई योर हॉर्स? भोलू, दिस इज माई हॉर्स, प्लीज रिटर्न इट टू मी। द यंग जज स्माइल, यंग जज टू भोलू, दिस हॉर्स इज इंडीड योर, यू मे टेक इट अलॉन्ग विथ यू टू द बैगर, यू विल बी पनिश्ड फॉर ट्राइंग टू चीट दिस मैन। भोलू को वह कहता है कि ये घोड़ा तेरा ही है, तो इसे अपने साथ लेके जा सकता है, और जो ये भिखारी है इसको पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। द पीपल मूव बैक टू द हाउस, किंग मोहम्मद वॉज वॉचिंग ऑल द ही वेंट टू द यंग जज। अब वो जो लोग अपनी घरों की तरफ चले गए, जो राजा था मोहम्मद वो सब देख रहा था, तो वो उस यंग जज के पास जाता है। किंग मोहम्मद, आई एम किंग मोहम्मद, आई वॉज वॉचिंग प्लेइंग माई रोल एंड आई एम इम्प्रेस विथ योर जजमेंट, बट हाउ डिड यू रीच टू द टू योर जजमेंट वैन बोथ ऑफ देम पॉइंटेड द सेम हॉर्स। अच्छा, अब वो किंग मोहम्मद है, वो उसे कहता है कि किंग मोहम्मद तो मैं हूँ, मैं तुझे कब से देख रहा हूँ, और तेरी जो न्याय तूने जो दिया उससे भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि ये घोड़ा उसका है, क्योंकि दोनों ने ही एक ही घोड़े की तरफ पॉइंट किया था। यंग जज, आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी वेदर बोथ द मैन कैन रिकोगनाइज द हॉर्स। वैन मंगू वेंट टू द हॉर्स ही टर्नड हिज हैड अवे, बट वैन भोलू वेंट टू हिम ही हेल्ड हिज हैड नियर हिम एज इफ आस्किंग फॉर ए पैटिंग फ्रॉम हिज मास्टर। अच्छा, वो कहता है मैंने ये देखने के लिए नहीं वो किया था कि इसको अपने घोड़े की पहचान है कि नहीं है, मैंने ये देखा कि जब मंगू उस घोड़े के पास गया तो उसने अपना सिर घुमा लिया, दूसरी तरफ कर दिया, लेकिन जब भोलू उसके पास गया तो उसने अपना सिर उसकी तरफ पास में कर दिया, जैसे कि वो उससे कुछ खाने के लिए मांग रहा हो। किंग मोहम्मद, इंडीड यू आर ए वाइज बॉय, आई अपॉइंट यू एज द चीफ जज इन माई कोर्ट। अब वो किंग मोहम्मद से कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई, तुम एक बहुत ही चतुर लड़के हो, मैं तुम्हें अपने जो राजमहल है उसमें न्याय जज की कुर्सी दूंगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लाइज नेवर लास्ट लॉन्ग, झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। तो ये जो आपका चैप्टर है ये मैंने आपको रीड करवा दिया है, कल मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊँगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।